तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे हैं दिन के 3 और मैं आया हूँ अभी खेत तरफ और देखने क्या हो रहा है इधर। तो देख सकते हैं मेरे पीछे सरसों की फसल लगी हुई है और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं चारों तरफ। तो इधर गेहूं की फसल है, दूर दूर तक देखे सिर्फ गेहूं गेहूँ है, जहाँ देख सकते हैं वहाँ गेहूँ है और इस साइड सरसों ही सरसों है। देख सकते हैं सामने सारे हैं पुटुर पटेल जो दौड़ते हुए आए मेरे को देखकर, और उस साइड देख सकते हैं आ रहे हैं सत्यम पटेल, ये मेरे को देख के आ रहे हैं दौड़ते हुए। और देखिए ये सामने है प्रधान जी, उनको बहुत देर से खोजा जा रहा था लेकिन मिल नहीं रहे थे, और सामने उस साइड गए हैं प्रधान जी, अभी आ रहे उधर ही। इधर देखें सरसों की इधर भी खेती है, सामने देखिए उधर गए थे वो लोग घूमने उस साइड, और अभी आ रहे हैं चंदन पटेल, नीतीश पटेल और प्रधान जी का पता नहीं किधर गए। जहाँ भी देखें नज़र देख सकते हैं सभी तरफ गेहूं ही गेहूं है, गेहूं की फसल इधर पूरा, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। और ये है मेरा खेत जिसमें घास उगी हुई है, यही घास देते हैं हम लोग मुर्गियों को खाने के लिए। और अब मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे खेत तरफ जहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाएगी फ्यूचर में, बट अभी अभी ऐसे ही है, इसमें कुछ काम की ज़रूरत है, इसमें कोड़ना होगा, पानी डाला जाएगा तब जाके ये सब्जियों के लिए उपजाऊ ज़मीन बनेंगे। यहाँ पे कुछ दिनों में उगाई जाएगी, यहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाएगी, जिसके लिए अभी खेत के चारों तरफ हम लोग घेर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नीलगाय आती है जो सब्जियाँ बर्बाद कर देती है, फसलों को बर्बाद भी करते रहती है। और ये है सोनवर्षा, इस साइड भी हमारा एक खेत है वहाँ पे, और उसमें गेहूं रोपा गया है। इधर देख सकते हैं गेहूं है पूरा, और आगे वहाँ पे धान सरसों की खेती हुई है, और सबसे पुराना पेड़ इस गांव का। और अभी अभी मैं हूँ सोनवर्षा में, ये है मेरा खेत जिसमें अभी गेहूं की फसल लगाई गई है, और ये गेहूं की फसल आधे हाथ की हो गई है लगभग, ऊंचाई 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बगल में है सरसों के खेत, यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड बीच में पूरा पीला पीला है, साइड में कम पीला हुआ है। और इधर मैं आया हूँ देखिए इस साइड, ये 2 मजदूर साग कवारते हुए, और इसमें ये मसूरी की खेती हुई है, और ये देखिए मसूरी में से साग कवारते हुए खरतुआ का साग, जिसका इसके यहाँ कल झोर भात बनेगा, खरतुआ का झोर भात, और उसको चोखा के साथ खाया जाएगा। कुछ लफड़ा हो गया तो अभी हम लोग जा रहे हैं उधर। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। थोड़ी देर में पहुंचने वाले अभी वहां पे, देख सकते हैं हम लोग बहुत ही स्पीड में जा रहे हैं, फटफटिया से तो नहीं जा रहे लेकिन दो चक्का है जिसे थोड़ी स्पीड से पहुंच जाएंगे, पैदल से ज़्यादा स्पीड में पहुँचेंगे। यहाँ पे थोड़ा झगड़ा हो गया था जमीन का और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए अब चलते हैं हम लोग घर। और अभी बज रहे हैं रात के 7,
और यहाँ पे बगल वाले घर में बन रहा है लिट्टी, वो भी चोखा भर के, जो मेरा फेवरेट है। तीन लोगों ने बुलाया था मुझे खाने के लिए, और देख सकते हैं एक ये छुप रही है वीडियो बनते हुए देखकर। और ये हमारी मास्टर शेफ, सबसे छोटी मास्टर शेफ, जो लिट्टी को बना रही है ट्रेनिंग पीरियड में अभी। और लिट्टी का मैं लुत्फ उठाते हुए बहुत ही टेस्टी बना हुआ है लिट्टी। और इधर जब मैं घर पे आता हूँ तो देखता हूँ मम्मी यहाँ रोटी बना रही है और आलू गोभी की सब्जी बन चुकी है। तो मैं चलता हूँ रोटी सब्जी खाने, आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट।